सीट होगी, उन्हें सोचा होगा हमारा एग्जाम खत्म हुआ है, हम कहीं वैकेशन पे जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, या अपना शेड्यूल आगे का तैयार करेंगे, कोई मेडिकल की तैयारी करेगा, कोई अपने सीए का एग्जाम की तैयारी करेगा, अब उसे दोबारा से री एग्जाम देना पड़ेगा। बताओ बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। दूसरी बात, एसएससी की वैकेंसी जो 10,000 निकलती थी, 12,000 निकलती थी, वो 1500 वैकेंसी पे आगे उन्होंने रोक दिया। तो स्टूडेंट क्या करेगा, रोजगार तुम छोड़ नहीं रहे, नौकरी तुम छोड़ नहीं रहे, बिजनेस किसी को करने नहीं दे रहे, सीलिंग तुमने सारी चलाई हुई है, तो मतलब लोगों को रहने दोगे या नहीं रहने दोगे? तो ये सरकार तो बहुत ज्यादा पिछड़ी हो चुकी है, इसे तो हटाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, क्या इनको सबसे पहले हम एक अपील करना चाहते हैं दिल्ली सरकार से भी और मोदी सरकार, मतलब मोदी सरकार से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी बननी चाहिए जो कि इस पे जांच पड़ताल करे और इसका पूरा हमें निकाल के दे कि कैसे लीक हुआ है, किस तरह से लीक हुआ है, इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल रहा है, उनका इस्तीफा लिया जाए, उन पर क्रिमिनल केस दर्ज हो और आगे से ये चीज ना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। हमारी सरकार जो बीजेपी की सरकार जो इनको हमने जितवाया, हम आपने सबों ने मिलकर वोट दिया, वही लोग हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपको क्या लगता है हम लोग जो कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है? 5 साल हमने इनको दिए, क्या हुआ? जीरो बटा जीरो। कभी कहते हैं सीलिंग हो रही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे आज 2 महीने से दिल्ली में सीलिंग हो रही है, वो सबसे ईमानदार आदमी जो रोजी रोटी कमाता है आज वो सबसे बड़ी तकलीफ में है, और किसी को फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, और बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, अडानी अंबानी, उनके घर बड़े भरे जा रहे हैं और उनके काम अच्छे हो रहे हैं। क्या ऐसे देश चलाने की कल्पना हम लोगों ने करी? मोदी तेरी तानाशाही प्रधान बाबू भी गोरे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जिन बच्चों ने अपने पेपर दे दिए।